ये दुनिया रहस्यों से घिरी हुई है। बहुत सी अफवाहों के साथ कई ऐसी सच्ची घटनाएं भी हैं जिन पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। 66 साल पहले जापान एयरपोर्ट पर उतरे एक अनजान यात्री की कहानी भी कुछ इसी तरह रहस्यमय है। 1954 में टोक्यो के हेनेडा एयरपोर्ट पर एक यात्री उतरता है। अन्य यात्रियों की तरह वह भी चेक आउट काउंटर की तरफ बढ़ता है। उसका पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए लिया जाता है। यहाँ तक सब सामान्य था, लेकिन यही बात तब असामान्य हो जाती है जब पासपोर्ट चेक करने वाले की नज़र उस देश के नाम पर जाती है जहाँ का ये व्यक्ति निवासी है। उस देश का नाम होता है टोरिड। इस देश के बारे में वहाँ मौजूद किसी भी कस्टम अधिकारी ने कभी नहीं सुना। उस अनजान यात्री से पूछताछ होती है, उससे जापान आने की वजह पूछी जाती है, तो वो बताता है कि वह यहाँ एक बिजनेस ट्रिप पर आया है। उसके अनुसार उसका ये देश फ्रांस और स्पेन के मध्य कहीं स्थित है। पासपोर्ट पर लगी अन्य देशों की मोहर सही थी, उस व्यक्ति के कागजात सही थे, फिर भला गलत क्या था? गलत ये था कि जिस देश से आने का दावा वह व्यक्ति कर रहा था वह देश दुनिया में कहीं मौजूद ही नहीं। जिस कंपनी का कर्मचारी वो खुद को बता रहा था उस कंपनी का कहना था कि उसका इस तरह के किसी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं। इसी तरह वह जापान जिस कंपनी में मीटिंग के लिए आया उन्होंने भी ऐसे किसी व्यक्ति की जानकारी को झुठला दिया। जिस होटल में यह व्यक्ति अपने ठहरने की बात कह रहा था उस होटल में भी उसके नाम की कोई बुकिंग नहीं थी। परेशान कस्टम ने जब उस अनजान यात्री को वर्ल्ड मैप दिखाकर उसमें उसे अपना देश खोजने को कहा तो उसकी उंगली एंडोरा नामक देश पर जाकर रुक गई और वो झुंझला गया। उसका दावा था कि यह मैप गलत है क्योंकि यहाँ एंडोरा की जगह टोरिड का नक्शा होना चाहिए। उसने ये भी कहा कि उसका देश वहाँ 1000 सालों से स्थित है। उस यात्री की हर बात कस्टम अधिकारियों को उलझा रही थी, लेकिन उसके दस्तावेज फर्जी नहीं लग रहे थे। और तो और उसके पासपोर्ट पर इससे पूर्व टोक्यो की कई यात्राओं की मोहर लगी हुई थी। मामले को उलझता देख एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक होटल के कमरे में पुलिस कस्टडी के साथ उस अनजान यात्री के ठहरने की व्यवस्था कर दी। उन्हें लगा इससे उन्हें इस रहस्यमयी शख्स के बारे में गहराई से जानने का समय मिलेगा। मगर हर किसी की आंखें फटी की फटी तब रह गईं जब अगली सुबह वह शख्स उस बंद कमरे के अंदर से ही ना जाने कहां गायब हो गया। इतना ही नहीं बल्कि जो दस्तावेज पुलिस ने उससे बरामद किए थे वे सब भी गायब थे। वह शख्स कौन था, कहां से आया था और ये टोरिड देश का क्या राज था, ये सब आज 66 सालों बाद भी एक रहस्य बना हुआ है। कई रिपोर्ट्स में ये बात भी कही गई कि वो शख्स टाइम ट्रेवलर था जो गलती से इस समय में आ गया था। हालांकि इस तरह की किसी बात की कभी पुष्टि नहीं हुई।